हाँ जी, टाइम ही छोटा हो गया। हाँ जी, मेरी मधुबन से बाबा का संदेश पहुँचता है, तो आस पास वाले भाई बहनों को संदेश खुद पहुँचा देना चाहिए, या फिर किसी को भेज के संदेश पहुँचा देना चाहिए, नहीं तो फिर मोबाइल से पहुँचा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो किस तरह का आत्मा जो जितना करेगा लगन से उतना पावेगा। अगर प्रचार में बुद्धि लगी हुई है, धर्म की धारणा फैलाने में बुद्धि लगी हुई है, तो उसको तो तांत ही लगी रहेगी। कैसे करके ऐसा माहौल बनावे जो सबको उमंग उत्साह आता रहे। बाबा तो बोले हैं 2 महीना अगर पता है, कोई ना आए तो फिर के भर्ती दोबारा कर देना, ठीक है। तो फिर अगर संदेशियों के द्वारा अगर पांडव या सदगुरुओं के द्वारा संदेश ना पहुंचे तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? दोबारा भर्ती कर लें, अपने आप ध्यान रखें। जिसके मत्थे मामला, जो जिम्मेवारी उठाता है वो पाता है। अगर ये बुद्धि में रहता दूसरे हमको दे तब ये देखा जाएगा, तो अलबेले हो गए ना। मिनी मधुबन से हमको लगता है कौन उन्हीं को जाना चाहिए जो आसपास सभी भाई बहनों को संदेश पहुंचा दे, तो अच्छा है। ऐसे को नहीं देना चाहिए, ऐसे को जो पक्षपात करने वाले जो स्वार्थी हैं वो सब पक्षपाती होते हैं। जिनको रथ होता है वो स्वार्थी होते हैं। एक शिव बाबा है जिसको अपना रथ नहीं है और वो स्वार्थी नहीं है। औरों के ऊपर उंगली ना उठाएं, पहले अपन को देखना है। सिख धर्म का गुरुद्वारा में कोई भी धर्म का भी जाता है तो माथे पर कमरा रखने पड़ता है, उसका कारण क्या है? कपड़ा जो है वो टोपी दिखाते हैं, टोपी का मतलब है इज्जत। किसी बड़े आदमी के सामने जावेंगे तो इज्जत पूर्वक जावेंगे, बेइज्जती से जावेंगे। तो ऐसे ही गुरुद्वारे में ये पक्की प्रथा है कि जब जावेंगे तो कपड़ा रख लेंगे कम से कम। और हिंदुओं में प्रथा है, पहले जो मंदिर होते थे उनके दरवाजे छोटे छोटे होते थे, जो भी अंदर जावेंगे तो सर झुका के जावेंगे। माने इज्जत का सवाल है। पवित्र देवताओं की, भगवान की इज्जत रखने की बात है। और वो ध्वज ताम्रध्वज का बात आया मुरली में बाबा, ये दिखाया गया है कि उन्होंने ईश्वरीय सेवा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, हड्डी हड्डी अर्पण की, दधीच मिसल।
परवाह नहीं की शरीर की, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, संपर्की और संबंधी भी मेरे नहीं, विश्व कल्याण की सेवा में सब कुछ लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं मेरा बेटा मेरा बेटा, नहीं। जब ज्ञान में आ गए तो आत्मा आत्मा भाई भाई, कोई किसी का बेटा नहीं, सब एक बाप के बच्चे हैं। इस बात की भी परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा में कोई ताम्रध्वज और मोरध्वज की तरह पास होते हैं, और भागवत में अच्छा से अच्छा नफर भी मिलेगा, ना खराब से खराब उतरे ही मिलेगा। दोनों के साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों के साथ में पढ़ाई करते हैं, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, हाँ। जो आगे जो बुरे से बुरे हैं दुनिया के वो भी यहाँ देखो, और अच्छे से अच्छे हैं वो भी यहाँ देखो, लेकिन दोनों जो प्रकार के हैं वो यहाँ बाप के सामने आए हैं, तो आखिर इन सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? तो दुनिया वालों के मुकाबले तो बहुत अच्छे हैं। कुबेर का खजाना है, है इसका नारायण का किसका छप जाए, नारायणी नशे का चित्र कहाँ देखे, कहाँ से मिलेगा, कहाँ है चैतन्य? जब बनेगा तो अब छपाने की दरकार ही नहीं रहेगा, वो तो जो देखेगा उसके दिमाग में छप जाएगा, वो इतना आकर्षण वाला चित्र होगा कि जो देखेगा उसकी आंखों में छप जाएगा। जैसे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के जो चातक उस समय आए पीछे पीछे, और उन्होंने जिसमें प्रवेश किया उनकी आंखों में छप गया, फिर वो उसके पीछे चल पड़े। महात्मा बुद्ध आए, बुद्ध का वो चित्र उनकी आंखों में छप गया, ऐसा छप गया कि उन्होंने हूबहू मूर्तियां तैयार कर दी, पत्थरों पर, कागजों पर, कपड़ों पर, जो आज तक भी देखी जा रही है। फूट होने के कारण, फूट माने आपस में टकराव हो जाता है, कई कई ग्रुप बन जाते हैं, उसको कहते हैं फूट हो गई, फूट गए सब। जो एक धर्म वाले थे वो आज अनेक धर्म में बट गए, तो दुनिया के मनुष्य फूट फूट करके अलग अलग खंडों में बट गए, फूट गए। जैसे घड़ा फूटता है तो कई कई टुकड़ों में बट जाता है, से पहले काम बदनाम हुआ अखबार न्यूज पेपर तो न्यूज पेपर से फिर नाम वाला कब होगा कैसे अखबार आदि में अखबार से नाम बदनाम हुआ। जब नाम बदनाम हुआ था तब बच्चे सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तो तमो प्रधान थे तो काले कृष्ण का
नाम बदनाम होगा या सरनाम होगा? बदनाम होगा। जब काला कृष्ण गोरा बन जाएगा, उसके संगी साथी भी गोरे बन जाएंगे, तो नाम बदनाम कैसे होगा? सच्चाई कोई चीज होती है ना। और सब सीताएं हो, चेतन सीता भी है, उन सब पार्वतियाँ हो, एक चेतन पार्वतियाँ भी है, उन सब मीरा है, मीरा कौन? मीरा जो भी से पीती है सो मीरा है। चैतन्य में कोई क्या, सारे पीते हैं? कोई दूसरे हैं क्या? दूसरे ही हैं। अरे हम भी तो हैं। अब देखो तुम सब मीराए हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, कुछ न कुछ उंगली लगाती हो ना ईश्वरीय सेवा में। थोड़ा थोड़ा सेवा में उंगली लगाते हो तो पार लगते हैं ना सब। अगर कोई सेवा में उंगली ही न लगाए तो पार हो जाएंगे। पहली उंगली है पवित्रता की। कोई ज्ञान में आने के बाद, कोर्स लेने के बाद एक दो दिन चार दिन पवित्र रहता है, उंगली तो लगाई। और अरे कथा ध्यान से सुनो, हमें समझ में तो आ नहीं रही, कोई समझा देगा? हम बताते हैं। हाँ, जो भाई भट्टी में गया, हाँ, तो तीसरे दिन वो टाइगर का याद आता है। तीसरे दिन टाइगर याद आ गया? हाँ, वो कोशिश करके उसका हटा नहीं पाया। हटा नहीं पाया, फिर? फिर उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? वो टाइगर तुमको पकड़ लेगा, हिलने नहीं देगा। टाइगर और शेर में ये अंतर होता है, शेर सीधा वार करता है, उसमें चूक हो जाती है कभी, और टाइगर मौका देख करके पक्की छलांग लगाएगा, चूकने वाला नहीं है। उस चूकने वाला नहीं, पकड़ गए अब। और अभी देख रहे हैं कि नदियों का चित्र लगाने का बोर्ड लगा है। नदियों का चित्र कहते कि उम राधे का भी चित्र टैलेंट कर दिया गया है। उम राधे मम्मा का भी चित्र हाँ। जो है टैलेंट कर दिया गया, बगल में गुफा दूर रख दिया गया। हाँ, मम्मा बाबा को हटा दिया। हाँ। अब दीदी दादियों का नंबर आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा, माता का जो टॉपिक प्रसिद्ध थी बाबा का, उनका तो चित्र ही गुम कर दिया, उनको तो कुछ आने नहीं दिया गया, क्या उनको कोई सहयोग नहीं था जग में? यशोदा माता तो पीछे पीछे चलने वाली थी, जहाँ ब्रह्मा बाबा जाएंगे रोटी दाल खिलाएंगे वहाँ खाएंगे। उनकी अकल थोड़े ही कोई विज्ञान में चलती थी। उनकी अकल अगर ज्ञान में चल जाती तो दो बच्चों की भी अकल ज्ञान में चल जाती। और क्या है? है मौलाई, मौलाई मस्ती। महा माने बड़ा, आलय माने घर, महालय माने बड़ा महल, छोटा मोटा नहीं, जैसे विक्टोरिया। हाँ।
हाँ, ऐसे अंजलि भर के पानी अर्पण करते हैं। हाँ, तो मरने पर ही अर्पण करते हैं ना, कब करते हैं? तो यहाँ कोई मरे होंगे ना देवभान से, तो हाँ तो फॉलो करते हैं। ये देवभान से कैसे मरे? दूसरों को ज्ञान देंगे तो देवभान निकलता जाएगा, देवभान निकल जाएगा तो मौत सच्ची हो जाएगी। उन्होंने किया तो हम भी ऐसे ही करें, क्या करें? ज्ञान जल अर्पण करें। और बाबा रामायण में अंगद को बढ़ाया गया था, वह परमा क्या बोलता है? है? अंगद को हाँ बढ़ाया था लंका में रावण को समझाने के लिए। है? रावण के समझाने के लिए जब बढ़ाया था, रावण वहाँ पर बोला तुम इतना आदमी हो, अगर मेरा पैर उठा दो तब समझेंगे। है? हाँ, इतना आदमी है, मेरा पैर उठा कर देखा। हाँ, तब मेरे राम से लड़ाई करो। हाँ हाँ, तो ऐसा शक्ति था उसको पैर नहीं उठाने का। कैसा शक्ति था उसको पास वो पैर नहीं उठाने का? कौन नहीं पैर उठा? रावण नहीं उठा सका। रावण नहीं उठाने का? हाँ, अंगद ने अपना पांव भरी रावण की सभा में जमा दिया। इसका मतलब हुआ कि इस पांव की बात नहीं है, ये बुद्ध रूपी पांव की दृढ़ता है कि हम इस रावण राजी की दुनिया में अपना बुद्ध रूपी पांव ऐसा जमाए देते हैं जो कोई भी रावण संप्रदाय का बच्चा माई का लाल हमारी बुद्धि को हिला ही नहीं सकता। और ब्राह्मण का जो गायत्री मंत्र है ना, इसको मीनिंग क्या होता है? अब गायत्री मंत्रों की मीनिंग का कोई मतलब रह गया? ये मंत्र तंत्र की दुनिया से क्या विश्व का कल्याण हुआ? तो क्यों पूछ रहे हो? ये तो हमको बेवकूफ बनाया गया और हम बेवकूफ बनते रहे। असली शक्ति जो है वो मनसा की पावर है। मन आत्मा से अलग नहीं है, मनरेव आत्मा। मन को एकाग्र कर लिया तो उस एकाग्रता की शक्ति से दुनिया के सारे काम संभव हो सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ये तो हिप्नोटाइज कर देता है, ये हिप्नोटाइज की ताकत कोई दूसरी ताकत नहीं है, वो भूत प्रेत आत्माओं को बस में कर लेते हैं। वो भूत प्रेत आत्मा ऐसा वाइब्रेशन फैलाती है जिससे कमजोर आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती। दिल्ली के जमुना के कंठे में जमुना के तैयार हुआ, जमुना के कंठे पर जमुना के सड़क का संपर्क तैयार हुआ की कंठा पर दुनिया के बीच सरकार ने कंपनी के कंठे पर स्वर्ग के संकुल तैयार हुआ,
यमुना के कंठे पर स्वर्ग क्यों तैयार होता है, गंगा के कंठे पर क्यों नहीं तैयार होता है? यमुना जो है वो सूर्य पुत्री है। किसकी पुत्री है? डायरेक्ट सूर्य की पुत्री है। तो बड़े का मान रखा जाता है, चाहे एडवांस हो और चाहे बेसिक हो। पहले पहले कौन निकलती है? गंगा निकलती है, सरस्वती निकलती है कि यमुना निकलती है? यमुना निकलती है। तो जो पहले निकलती है उसमें पावर भी ज्यादा होती है। इसलिए जहां से आदि होता है वहीं से अंत भी होता है। जो सृष्टि की शुरुआत होगी वो भी यमुना के कंठे से ही होगी। यमुना के कंठे पर बड़े से बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? दिल्ली कब्रिस्तान, ये दिल्ली परिस्तान, ये नियम है। जहां दुनिया का सबसे जास्ती खून खराबा होता है वहीं दुनिया की सबसे जास्ती आबादी भी होती है। चार मुख्य धर्म है, चार मुख्य धर्मों के चार मुख्य बीज हैं। जो चार बीज हैं वो चार घोड़ों के रूप में दिखाई दिए हैं। ये मनरूपी घोड़े हैं, मनरूपी अश्व हैं, जिन मनरूपी अश्वों को भगवान आकर के कंट्रोल करते हैं। तो सभी धर्मों में सात्विकता व्याप्त हो जाती है फाउंडेशन में ही। हर धर्म का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। इसलिए अर्जुन के रथ में सफेद घोड़े दिखाए गए हैं, काले घोड़े नहीं दिखाए गए हैं। दाई साइड का एक ही होगा या सारे ही होंगे? बाकी नंबर वार हैं। आदि में भी बोला है ना मुरली में, पहले कलकत्ते में चार घोड़ों की गाड़ी चलाते थे। तो बाबा हद की बात बोलते हैं क्या? बेहद की बात का इशारा दिया। यज्ञ के आदि में भी ये चारों मौजूद थे। फिर चले जाते हैं, फिर एडवांस में आ जाते हैं। ब्राह्मणत्व का किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो आदि का किया हुआ पुरुषार्थ है वो अगले जन्म में ऐड हो गया। बाकी चारों एक जैसे नहीं हो सकते।
लेकिन कोलकाता का जो बड़ा उत्सव है वो है दुर्गा पूजा। उसकी कैसे हुआ हमारा हो गया वर्ल्ड जो दुर्गा है वो ही जगदम्बा है, जो जगदम्बा है वो ही काली बनती है, वो अलग अलग रूप अलग अलग टाइम की यादगार है। अंत में जो पार्ट बजाया है वो विनाशकारी पार्ट है, तामसी स्टेज का पार्ट है। ऐसे तो बोला है कि देवी तो एक ही है ब्राह्मणों की दुनिया में, बाकी नौ प्रकार की मूर्तियां दिखाई गई हैं, जिनमें वो प्रवेश करके पार्ट बजाती है अलग अलग प्रकार से। और पंचमी होता है पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी और विजयादशमी होता है, तो हर दिन अलग अलग करके पूजा किया जाता है। ये रस्म पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशहरा इसीलिए बोलता है कि जो देवियां हैं वो देह अभिमान बढ़ाती हैं या घटाती हैं, है? उनके द्वारा देह अभिमान बढ़ता है, इसलिए देवियों को डुबोया जाता है। और लास्ट में दशहरा दस का दस सिर वाले का हरण होता है, किसके द्वारा? राम के द्वारा, उसकी विजयदशमी मनाई जाती है। जो विजयदशमी मनाई जाती है वो विजय प्राप्त कराने वाला एक है, नौ नौ नहीं है, आठ देवियां नहीं है। प्रश्न है इनका, पांच रोज का पूजा होता है दुर्गा पूजा, तो पांच रोज क्यों होता है? दशहरा तो एक तेरह रोज होता है। पांच रोज इसलिए होता है कि जो पांच मुख्य धर्म है देवता धर्म और बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म और सिख धर्म और चंद्रवंश, ये पांच हैं दाई ओर के जिनमें पूजा का महत्व है। यही पांच पांडव हैं जिनमें एक है युधिष्ठिर, आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाला, पूरा पुरुषार्थ करके स्वर्ग में आरोहण करने वाला, बाकी चार संगम युग में स्वर्ग में आरोहण नहीं कर पाते, कुछ न कुछ नीचे गिरते हैं, तो वो है चार पांडव। कौन कौन? चंद्रवंशी, बौद्धी, सन्यासी और सिख। इसलिए पूजा का महत्व पांच पांडवों में है, बाकी पूजा का महत्व नहीं जानते हैं। उनका टाइम भी अलग अलग नुद्ध है। और अब विशेष दिन तो मैसूर में जाओ तो वो दसवीं को विशेष दिन मानेंगे,
कलकत्ते में आओ तो देवी 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 मछलियां ज्यादा खाते हैं, तो उसी की पूजा करेंगे। और है बाबा भागवत गीता और ये रामायण में दोनों में श्रेष्ठ बाबा गीता को बोला जाता है। तो सब कोई जानता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? गीता। शस्त्र शास्त्र शिरोमणि, शिरोमणि कहने से ही क्या साबित होता है? सबसे ऊपर है। जो आध्यात्म ज्ञान गीता में दिया गया है वो आध्यात्म ज्ञान और कोई भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है। वो एक ही गीता और जितने जितने धर्म प्रचारक आए भारत में, जितने जितने महान विचारक आए, उन्होंने गीता के अलग अलग अर्थ कर दिए। ऐसा वंडरफुल ग्रंथ है, एक की टीका दूसरे की टीका को काट रही है। इससे साबित होता है कि सब टीकाएं झूठी हैं। असलियत में जिसने शुरुआत में लिखी थी वही उसका सही अर्थ जानता है, उसी में परमपिता परमात्मा फिर प्रवेश करता है और फिर संक्षिप्त से वही गीता का अर्थ करके समझाया जाता है। पीयू की वाणी अंत में फिर गीता के वही अकेले सच्चे अर्थ 100% निकलेंगे जो सब गीताओं को काट देंगे। जब गीता की 108 टीकाएं हो सकती हैं तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार टीका नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, हो सकती है। और बाबा भाई लोग बाहर जा रहे हैं तो माताओं की गोद में गिर जा रहे हैं, माताएं फिर भी हट करके वहीं रास्ता रोक के बैठी हुई हैं। वाह भाई, कलकत्ता है ना? क्या कलकत्ता का नाम दुनिया में किस लिए बाला है? बाबा संसार में रहते हैं तो कोई कुछ देते हैं तो लेना नहीं चाहते हैं तो भी देते हैं, तो क्या करना है? जैसे पूजा का मौसम चल रहा है, देवर ननद साड़ियां देते हैं, लेना पड़ता है। क्या लेना है या नहीं? नहीं लेंगे तो भी तो खराब सोचेंगे, तो क्या करना है? वो देते हैं तो हम नहीं दे सकते क्या? है? अरे तोड़ निभानी है, गृहस्थ में रहना है तो वो हमको देते हैं, हम दूसरों को दे देंगे। बाबा ज्योतिष लोग हस्तरेखा विचार करते हैं और भांति भांति के स्टोन धारण कराते हैं, कोई पैर का, कोई क्या पहनाते हैं,
इससे कोई फायदा होता है या ज्ञान की दृष्टि से नुकसान होता है? अरे पत्थर पहनने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? अभी तो ज्ञान में आ गए ना। बाबा तो नवरत्न चैतन्य की बात बताते हैं या जड़ की बात बताते हैं? चैतन्य नवरत्न है जो सारी दुनिया में विख्यात हो जाते हैं। माथा पढ़ने से कोई फायदा होते है ना, हो गई ये क्या ड्रामा है ना? ये अपना अपना विश्वास बैठ जाता है, कुछ नहीं होता है। ये बात है। सही बाबा, पूरी मंदिर इतना बड़ा मंदिर, उसका छाया नहीं दिखाते है, उसका कारण छाया नहीं दिखाते है। छाया नहीं दिखाते मंदिर है ना? कौन आग में मंदिर के आया पड़ना चाहिए, मस्कर का दूध का किरण पड़ता है मंदिर के ऊपर, पेट्रोल पड़ना चाहिए और पेट्रोल नहीं पड़ता है। उसमें कोई शीशा ऐसा लगा होगा जो सूर्य की रोशनी को छाया के ऊपर फेंक देता है तो छाया खत्म हो जाती है। वो तो जाकर के देखो, तफ्तीश करो, तभी तो पता चले तुमने देखा ऊपर चढ़ के। और प्रश्न आया है, कोई कोर्स करने वाले भाई ने पूछा, द्वापर युग में शुरू में पहले बुद्ध आए लेकिन बाबा ने तो बताया है कि इब्राहिम आए, लेकिन हिस्ट्री में तो कहीं इब्राहिम के बारे में कुछ मिलता नहीं, तो बाबा अगर इब्राहिम के बारे में कुछ हिस्ट्री बताएं तो पता चले। हिस्ट्री दुख की लिखी जाती है या सुख के टाइम में लिखी जाती है? दिन गिनने को हिस्ट्री कहा जाता है। ये दिन गिनने की शुरुआत दुख के टाइम पर होती है, सुख के टाइम पर दिन गिनने की शुरुआत नहीं होती है। और दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, द्वापर युग भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। पहले कौन सी स्टेज थी द्वापर की शुरुआत में? सतो प्रधान स्टेज थी, तो सतो प्रधान जो स्टेज थी द्वापर की उसमें दुख अनुभव होगा नहीं होता, इसलिए उनकी हिस्ट्री लिखने की दरकार है ही नहीं। महावीर के बारे में जैनी लोग बताते हैं, ढाई हजार साल पहले महावीर आए, भगवान महावीर। उससे पहले 23 तीर्थंकर और आए, अब सोचने की बात है कि भगवान जो हैं वो दुख की दुनिया में आवेंगे या द्वापर शुरू होते ही आ जावेंगे? जैसे हिंदुओं में लिख दिया कि द्वापर का अंत हुआ और भगवान कृष्ण आ गए और कलयुग की स्थापना करके चले गए। पापी कलयुग की स्थापना हो गई, कोई बात ही नहीं बनती। महात्मा बुद्ध द्वापर युग शुरू होने के 500 वर्ष के बाद आए। सतो प्रधान हिस्सा तो द्वापर का चला गया,
रजो प्रधान हिस्से का भी अंत आने लगा। तो उस समय महात्मा बुद्ध के जो फॉलोअर्स हुए उन्होंने ढेर का ढेर बौद्ध साहित्य लिखा और बौद्ध साहित्य बहुत सशक्त है। उनकी धर्म की मर्यादाएं बड़ी पावरफुल हैं। सारे बौद्ध साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया, जबकि महात्मा बुद्ध बाद में आए हैं और महावीर पहले के बताए गए हैं। अब बताओ ये कैसे संभव हो सकता है कि बौद्ध साहित्य में महावीर का कहीं नाम ही ना हो। इससे साबित होता है कि 2500 वर्ष पहले ना महावीर तीर्थंकर हुए भगवान के रूप में, न श्री कृष्ण भगवान हुए भगवान के रूप में। इब्राहिम हुए, उनका इस्लाम धर्म पुराना है, इस्लाम धर्म की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन उसका जो पैगंबर है उसकी हिस्ट्री इसलिए नहीं मिलती है कि उस समय इतना दुख की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए तवारीख नहीं है और इब्राहिम का नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि द्वापर युग शुरू होते ही कौन सी आत्मा आती है? इब्राहिम आता है। और जोर से बोलो, पैगंबर किसको कहा जाता है? जो पैगाम दे धर्म स्थापक का, धर्म की स्थापना का पैगाम दे उसको पैगंबर कहा जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना का पैगाम पहले पहले इब्राहिम ने दिया, इसलिए इस्लाम धर्म का पहला पहला पैगंबर है। अरे हिस्ट्री चाहे भारत की हो या कोई भी देश की हो, हिस्ट्री तो बनेगी ही तब जब दुख की शुरुआत महसूस हो। द्वापर के आज में तो कितनी सतो प्रधानता थी, बाबा ने तो मुरली में बोला शास्त्र भी उस समय सच्चे थे, शास्त्र के अर्थ झूठे नहीं थे। बाद में जो परवर्ती व्याख्याकार आए उन्होंने वेदों का अर्थ करके ब्राह्मण और आरण्यक तैयार किए, ढेर के ढेर तैयार कर दिए। फिर बाद में उपनिषद तैयार हुए उनकी व्याख्या, फिर बाद में ढेर के ढेर पुराण बना दिए। कितनी व्याख्याओं की व्याख्याएं, व्याख्याओं की व्याख्याएं, व्याख्याओं की व्याख्याएं कर दी। अभी मुरली है, मुरली की व्याख्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने लिटरेचर में अपने प्रकार से कर दी। एडवांस पार्टी अपने प्रकार से व्याख्या दे रही है।
फिर जो विष्णु पार्टियां निकल रही हैं, उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ बना दिए। जो एडवांस की व्याख्याएं हैं, उनकी भी व्याख्याएं उन्होंने अपने अपने तरीके से कर दी। बंगलौर की विष्णु पार्टी अलग व्याख्या कर रही है, बंबई की विष्णु पार्टी अलग व्याख्या कर रही है, अहमदाबाद की विष्णु पार्टी अलग व्याख्या कर रही है। हैदराबाद में बैठे हुए अलग व्याख्या कर रहे हैं। जमाने में तो इंग्लैंड का हिस्ट्री, यूरोप का हिस्ट्री पढ़ाता था स्कूल हिंदुस्तान में। पहले पहले मुझे पे मिला था कि आज से 2250 साल पहले वो तो बौद्ध धर्म है, 2250 साल पहले। हाँ जी, तो दुख शुरू होता है ना, तो हिस्ट्री बनाई जाएगी ना। हाँ, अरे उससे भी पहले तो विक्रमादित्य का संबत है, शक संबत है, हूण संबत है, लेकिन ये बाद में स्थापन हुए हैं। 2500 साल पहले का कोई भी नहीं है। क्या पूछना है इसमें? मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो मुर्दे में अग्निक्रिया देते हैं, ये तो भारतवासी देते हैं, विदेशी लोग थोड़े देते हैं अग्निक्रिया। इसका कारण क्या हुआ? जब संगम युग था तो ज्ञान अग्नि में देह अभिमानी की क्रिया को भस्म किया था, इसलिए भारतवासियों में अग्निक्रिया करते हैं कि देह भस्म हो जाए। और जो विदेशी होते हैं, विदेशी ब्राह्मण भी होंगे जो विदेशियों की फाउंडेशन डालेंगे, विदेशी धर्म में कन्वर्ट होंगे, उनका पूरा देह अभिमान खत्म नहीं होगा, वो मिट्टी के देह अभिमान की मिट्टी के मिट्टी में ही दबा दिए जाते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, जो मुख है ना वो ज्ञानेंद्रियों में मुख्य है। सप्तऋषियों में मुखिया कौन है? वशिष्ठ। उनकी पैदाइश कहां से होती है? मुख से। इसलिए मुखिया को ही स्वाहा कर देंगे तो सब स्वाहा हो जाएगा। और हिस्ट्री में लिखा हुआ है आज जो सभ्यता भारत का वैद्य से आया था, भारत का जो लोग है सो होना जो थे बात सोच रहा है आज जो सभ्यता बाहर देश से आया था, ये विदेशियों ने लिखा है। आर्य माने सुधरेले, अनार्य माने अनसुधरेले। भारतवर्ष में अनार्य रहते थे, अनाड़ी, और विदेश में ग्रीस में मेसोपोटामिया में आर्य लोग रहते थे। वो आर्य लोग भारत में आए तब यहाँ के लोग सभ्य बने। सारी उल्टी कथा बताइए बैठ के। अंग्रेज अपना हिंदुस्तान में शासन करने के लिए ऐसा किया। हाँ जी, हम लोग इतना दिन बाहर जाकर शासन किया, हम भी आकर के शासन कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है। चलो ओम शांति। बाबा टाइम हो गया।